एक बात पूछो साहब आपसे। पूछिए। ये ऐना बीबी को आप कब से जानते हैं? मेरा मतलब है, कहीं ऐना बीबी की वजह से आप गुड़िया बीबी से शादी से इनकार तो नहीं कर रहे हैं? आपके जहन में ये सवाल क्यों आया? 10 साल से आपके साथ रह रहा हूं, रिश्तों को आप कितनी अहमियत देते हैं मैं समझ सकता हूं। मुझे मुझे तो कोई माकूल वजह समझ में नहीं आई गुड़िया बीबी से शादी के इनकार की, हालांकि आप उनसे प्यार भी बहुत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो जानते हैं रमजानी चाचा, मैं रिश्तों में ईमानदारी का कायल हूं। हर रिश्ता नेक नियति से मुखलसी से निभाने का आदी हूं, ताकि अपनी जमीर की अदालत में सुरखरू हो सकूं। लेकिन अफसोस के ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। आपने तो मुझे फलसफे में उलझा दिया, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो खुद अपनी नसीबों की डोर में उलझाऊं, मैं इसको कैसे सुलझाऊं मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। खैर छोड़िए, अब आपको क्या बताऊं, छोड़े। चलिए अच्छा नहीं पूछ रहा, लेकिन इतना बता दें कि गुड़िया बीबी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल सही है, हॉस्पिटल से घर चली गई है वो। मैं अब कुछ देर आराम करूंगा। हाँ आप आराम कर लें, बहुत थके हुए लग रहे हैं, और शाम को आपकी पसंद का खाना बनाता हूँ मैं।